वैलेंटाइन डे मना रहे हो आप लोग, नहीं मना रहे हो? स्केचेस हियर फ्रॉम पीको. अच्छा, आप जानते हो बीगो को, बिग बॉस. बिग बॉस री इंटर करूँ. अरे कहाँ रिकी, बिग बॉस री इंटर करूँ, आप लोग जिताते थे वो नहीं, उल्टे अपनी ही वाट लगती है. बिग बॉस जितना देते नहीं हो उतना से ज़्यादा तो अपना लग जाता है. चूचू यू आर लुकिंग क्यूट, थैंक यू. कैसे हो आप लोग? वी अंडरस्टैंड. राखी कहाँ है मुझे पता नहीं. आपका वैलेंटाइन डे कैसा है? बैचलर वाला वैलेंटाइन. राखी के दादा प्रतीक से बात होती है. हाँ बिल्कुल बात होती है. बिग बॉस में एटलीस्ट मैंने कुछ दोस्त जरूर बनाए जो इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी लालच या जो मैं जैसा हूँ वैसा लोगों को पसंद करता हूँ. प्रतीक इज वन ऑफ देम. प्रतीक डेफिनेटली, उससे एक फीलिंग आती है. मीन्स कहीं भी अगर उसको देखता हूँ या जब भी वो मैसेज भी करता है तो एक फीलिंग आती है कि हमेशा पॉजिटिव फीलिंग आती है, लगता है कि कोई अपना है. तो आई मीन ऐसे लोगों को एटलीस्ट मैं दोस्त बनाया कह सकते हो. केस कैसन बानी रउआ, हम ठीक बानी. यू टॉक विद देवलीना? यस ऑफ कोर्स, देवलीना भी बहुत अच्छी है. देवलीना के साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे, बड़ा भाई मानती है. डेफिनेटली बहुत अच्छी है वो भी. आर यू डूइंग न्यूज? नो आई एम नॉट बॉदर अबाउट रिसेंट न्यूज. नो राखी इज वॉचिंग दिस लाइव. ओके नो प्रॉब्लम. निशान, हाँ निशान भी अच्छा बंदा है. मीन्स कह सकते हो कि कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगे. निशांत, इवन करण, करण से भी मेरी कोई ठीक है जो भी अंडरस्टैंडिंग शुरू में थी, लेकिन करण भी, उसकी बातें अच्छी लगती थी मुझे. हाँ अब वो गेम था तो भाई उसको, हम लोग अपोजिट टीम में थे तो खेलना ही पड़ता है. बट या ही हैज़ द पोटेंशियल, एटलीस्ट उसकी बातें अच्छी लगती थी. उमर को अच्छा बहुत बुरा हुआ जीजू. अरे नहीं यार, कुछ भी बुरा नहीं है. लाइफ में जो है ना, डेस्टिनी जो होती है, हर चीज़ के लिए एक डेस्टिनी डिसाइड होती है. कुछ उसके लिए वी हैव टू एक्सेप्ट इट. लाइव वीडियो पूरा तीजा और करण, ऑल दी बेस्ट. उनको ऑल दी बेस्ट बोलूँगा बस. अच्छे लोग हैं, अच्छे.
अच्छी लाइफ बनाए पति छोरा ये क्या है यार, ये कैन यू ऐड मी, नो आई डोंट वांट टू ऐड एनीवन एंड डोंट लेट, क्या बोलूँ मैं यार, कुछ कुछ मैसेज आप लोग करते हो कि इसको बोल दो उसको बोल दो, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट, कि आप मुझे बोलोगे मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, किसी अदर्स को बोलोगे मैं कैसे उसको बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो यार, बट या डेफिनेटली अगर आप उनसे बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज़र नेम चेंज करो यार, वाई आई शुड चेंज, ठीक है ना यार, यूज़र नेम जो है ठीक है। मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद से है, मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद से है, ना कि किसी ये से, किसी आईडी से, और मुझे फेम नहीं चाहिए था, मुझे कहीं भी किसी से फेम नहीं चाहिए था, मैं बहुत खुश था अपनी लाइफ में और ऐसे ही रहना चाहता था, मुझे फेम नहीं चाहिए था, फेम लाइक लेके आप लोगों की गालियां सुनो, मीन वो फेम नहीं चाहिए था मुझे, कोई यहाँ पे ना मुझे लाइक मुझे एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना था और ना ही मैं इसके लिए इंटरेस्टेड था, मेरा फील्ड ही दूसरा है भाई, तो मुझे फेम नहीं चाहिए था ना ही पैसा, पैसा मुझे क्या ये देंगे, जितना ये पैसा है इन्होंने मुझे लाइक देने का, वो तो मैंने पैसे खुद डोनेट कर दिए हैं, वो पैसा ये क्या मुझे देंगे, जितना पैसा ये दे रहे हैं उतना मैं टिप छोड़ देता हूँ, तो जिसको नहीं जानते हो ना उसके बारे में बोलना कम करो, नहीं पता है वो क्या मुझे पैसे देंगे, फिर क्यों गए थे, अब तो आप सभी को पता है क्यों गए थे, मैं थोड़ी गया था मुझे बुलाया गया था, मैं खुद अपना काम छोड़ के मैं कौन जानना पसंद करेगा, बट मुझे बुलाया गया था तो क्या, हाँ मुझे फेम मिल के मुझे क्या, करोड़ों का ऑफर आ गया है फिल्मों का, उल्टे मेरे जेब से गए हैं, और बताओ, वी लव यू फॉर एवर, थैंक यू श्वेता, अच्छा क्या आप दोनों बीच में भैया, आप जब जाओ सब अच्छा यू आर क्लीन फ्रॉम हार्ट सर, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, वट इज योर रीजन, जस्ट से वाई आर यू अब्यूजिंग, मैं किसको अब्यूज कर रहा हूँ यार, व्हाट हैपेंड विथ राखी, अब ये राखी से पूछो यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता है इस बारे में, मुझे तो लगता है आप और राखी बस पता चला कि अबे
रितेश नाम का बंदा बहुत पहले से जानता है, बहुत पहले से हल्ला था। और रितेश नाम का बंदा सिर्फ रितेश नाम से नहीं फेमस था, मेरे पापा नाम से फेमस था। जाके देख ले, जितना का मैसेज तू करता है ना, जितना मैसेज तू किया नहीं होगा ना, उतना का गिफ्ट मैं मार चुका हूँ। जाके देख ले, ठीक है? जितने तेरे तूने देखे नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा का मैंने गिफ्ट मारा है उधर। तो नहीं जानता तो मत मत बोल। जिसका नाम ले रहा है ना, उसको बोल, उसको बोल आके इधर बात करे, पता चल जाएगा। सर आप मुंबई में? नहीं, मेरा मुंबई में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैं मुंबई में, आई डोंट वांट, क्योंकि मेरा कोई यहाँ पे मुंबई में कुछ काम नहीं है। मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ। हाँ, बॉलीवुड में मैं आऊँगा, कुछ काम करूँगा, बिकॉज मैंने फैंस को प्रॉमिस किया है। बट हाँ, एट दिस मोमेंट नो, आई विल टेक सम टाइम, अभी खुद को संभाल लूँ काफ़ी है। काफी अच्छे, ठीक पायल लव्स यू। कौन पायल भाई? अच्छा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। वेरी नाइस। एंड आईटी डेवलपमेंट, आजकल आईटी बूम में है। एंड आईटी डेवलपमेंट, व्हाट इट मीन? सो होप यू हैव ब्यूटीफुल फ्यूचर, ऑफ कोर्स। हैप्पी वैलेंटाइन डे। यस, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हाँ, बिना राखी जी के आपका कुछ नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? सिने वर्ल्ड में आप कभी जानते हो? बकवास यहाँ बैठ के कर रहे हो। सिने वर्ल्ड में जानते हो? यहाँ तक कोई फ्री में लेके नहीं जाता है, ठीक है? तो जानते नहीं हो तो बकवास कम करा करो। कि यहाँ तक पहुँचा तभी तो, यहाँ तक पहुंचा तभी तो कोई आके आपको एक्सेप्ट भी करेगा। नहीं हो, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे मैं अपने में एक मिसाल हूँ, ठीक है? तो बकवास ना करो, यहाँ पे जो भी है बातें, यहाँ पे तुम सब हेटर हो जो हेट बातें करते, लेकिन मैं हेटर को उठाता हूँ, हेटर को। तुम लोगों जैसे हेटर को, तुमको काम धाम तो है नहीं, फ्री का बस फोकट पे बस इसको गाली दो, उसको गाली दो, वही करते रहते हो जिंदगी भर, यही करते रह जाओगे। जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी भी इंसान के पीछे, उतने में कुछ तरक्की कर लेते यार। यार लोग अनफॉलो कर देंगे, कर दें। डू यू थिंक कि मुझे फॉलो करने से क्या मुझे पैसे आ जा रहे हैं? मेरा काम दूसरा है और मैं वही काम करते रहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू टू। यू फेमस,
योर फेमस कैन कैन यू गिव फॉर योर फॉलोअर्स, योर फेमस क्या लिखे है जिसको फॉलो करते हैं। अरे यार इट इज ये आर यू सीरियस, तो लाइक मैंने आपके लिए भाई कहीं मैंने यार तुम्हारे फॉलो ना फॉलो से मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई आप लोग फॉलो करो, जिसको फॉलो करना है फॉलो करेगा, जिनको मेरी बातें अच्छी लगेंगी वो फॉलो करेंगे, जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी वो नहीं फॉलो करेंगे। हाँ अब ये तो आप ये क्वेश्चन आप राखी से पूछो, लोग गाली भी देते हैं सर और मजे की बात है भी देखते हैं, वही मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भाई आप यहाँ पे एक बंदा लिखा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे तो तुमको बुलाया, तुमको इनविटेशन दे के तो मैंने बुलाया नहीं है कि भाई आओ और वॉच करो, मैं अपने दोस्तों से जो बात करने आया हूँ जो कि जो जिनको लगता है कि मैं सबको एक साथ रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ इनबॉक्स में, मैं उनके लिए आया हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनको बहुत सारे डाउट्स थे कि ये है वो है। तो उनके लिए आया हूँ यार, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू अंकिता। यूजर नेम चेंज कर लो, क्यों यार यूजर नेम से क्या पड़ा है यार, यूजर नेम इज डिफरेंट राइट, नेम इज डिफरेंट, कैसी बातें करते हो यार, यूजर नेम से क्या पड़ी है, माई नेम इज डिफरेंट, यूजर नेम इज डिफरेंट। क्या सर एम लामिया योर बिगेस्ट फैन, थैंक यू सो मच लामिया, देवलीना फैन पेज, हेलो रेहान, गाइस आई डोंट हैव टू कमेंट एनीथिंग, जिसने ये मैसेज किया है आप उनसे जाके पूछो, मुझसे मत पूछो, फॉलो बैक कर दो, मैं फॉलो बैक कर लूंगा। वाह सही है भाई, आपको चेंज करना चाहिए यूजर नेम, व्हाई व्हाई यू शुड चेंज माय यूजर नेम, प्रतीक से कब मिले, अभी प्रतीक से नहीं मिला हूं बिकॉज प्रतीक शूटिंग में है, चंडीगढ़ में है, मैं भी बाहर हूं। कोई नाटक नहीं था बीबी वालों का, बिग बॉस शो अच्छा है, अनफॉलो कर दिया इसको तो यहां पे है क्यों तू, निकल फिर यहां पे अजीब लोग है भाई। हाँ तो भाई अनफॉलो करके यहाँ मैसेज क्यों, तो बैठी के कैसे अनफॉलो कर दिया तो फिर यहाँ पे दिख क्यों रहा है और फिर मैं कनेक्ट होऊंगा, आज मैं काफी बार ऑनलाइन आऊंगा ताकि बहुत सारे मेरे फैंस बेचारे दुखी हैं, तो उनके लिए मैं आऊंगा। फॉलो सर हाउ आर यू, आई एम गुड, ठीक है गाइस
और आप लोगों को सच बोलो फैन के लिए तो प्लीज टुगेदर ये कि हाँ ये सही बोला कैमरा मैन। यार ये कैमरा मैन वाली न्यूज़ क्यों को किसने फैलाई थी, अजीब लोग है। एक एक बंदा है, एक कोई यूट्यूबर है, वो बंदा अपने यूट्यूब पे सारी फेक बातें करता है, ऐसा फलना बोला ऐसा चिलना बोला, यही करते रहता है। गाइस आप किसी के बारे में बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, आप उसको डिफेम कर रहे हो, उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है, तो ये सब हरकतें बंद करो। कि आप जिसके बारे में नहीं जान रहे हो ना, वो सीधा आपको लगेगा, आप बोल के भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, बोल के बोलने से क्या होता है। बोलने से कुछ हो जाता। देखो कॉल भी आ रहे हैं बहुत सारे। ओके गाइस मुझे बहुत सारे काम है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अंकिता, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।